रिसेंटली ही मैंने 3-4 अडाप्टर्स बाय किए जिनमें अलग अलग प्रॉब्लम्स मुझको देखने को मिली। किसी में राइट और लेफ्ट सही काम नहीं करता तो किसी में हाई क्वालिटी आउटपुट नहीं मिल रहा था, तो कोई तो यार मेरे डिवाइस को सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। लेकिन थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे एक सस्ता ऑल्टरनेटिव नजर आता है जो कि 300 रुपए का है और इसमें आपको DAC चिप भी देखने को मिलती है। तो इसीलिए मैं आपके लिए ले आया हूँ बाइंग गाइड जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक परफेक्ट USB Type-C टू 3.5 mm अडाप्टर बाय करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन कौन से फीचर्स या आपको कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी एक USB Type-C टू 3.5 mm अडाप्टर बाय करने से पहले। अगर आप ऑफलाइन ले रहे हैं तो सबसे पहले आप ध्यान में रखें कि आप अपने साथ एक ईयरबड्स साथ में ले जा रहे हैं, वरना हो सकता है कि आपके फोन में वो पर्टिकुलर अडाप्टर सपोर्ट ही ना करता हो, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। सबसे पहले मैं इमरजेंसी पर्पस के हिसाब से मैं अपने Google Pixel 6 के लिए मैं एक 50 रुपए का अडाप्टर लोकल मार्केट से ले आता हूँ, और उस वक्त मैंने इसकी टेस्टिंग भी नहीं की। मुझे लगा कि यार ये तो चली जाएगा, कोई इशू तो होना नहीं है इसमें। लेकिन जब मैं घर आके किसी ईयरफोन्स में इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पर ये अडाप्टर मेरे गूगल पिक्सल 6 को सपोर्ट ही नहीं करता है, जिसके बाद मैं थोड़ा निराश हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि शायद ये खराबी है, लेकिन फिर मैं दूसरे डिवाइसेस में इसको चेक करता हूँ तो ऑलमोस्ट 90% सभी डिवाइसेस में ये काम कर रहा होता है, जिसके बाद मुझे अंदाजा हो जाता है कि हाई एंड डिवाइसेस में ये सस्ते वाले अडाप्टर सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके बाद मैं ऑनलाइन जाता हूँ और मैं एक जेनरिक ब्रांड का अडाप्टर ऑर्डर कर लेता हूँ। अब ये मेरे गूगल पिक्सल 6 में सपोर्ट तो करता है, लेकिन मुझे वहाँ पर स्टीरियो आउटपुट सुनने को नहीं मिला, यहाँ पर मोनो आउटपुट था, यानी राइट और लेफ्ट अलग अलग साउंड नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से गेमिंग में एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं अपने जो बड़े हेडफोन्स यूज़ कर रहा था और मुझे वो क्वालिटी भी सुनने को नहीं मिल रही थी। अब इसके बाद मैं फिर ऑफलाइन मार्केट में जाता हूँ और मैं अपने साथ इस बार ईयरबड्स लेके जाता हूँ और इसको मैं डिवाइस में चेक भी करता हूँ, और मैं जब इसको यूज़ करके देखता हूँ तो यहाँ पर राइट और लेफ्ट भी बिल्कुल सही चल रहा होता है और मुझे क्वालिटी भी मुझे लगी ठीक ठाक है, जो कि मुझे करीब 250 रुपये के आसपास मुझको ये मिला था, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी ठीक थी और इसमें 6 महीने की वारंटी भी देखने को मिली, लेकिन ये ईयरफोन्स के साथ तो सही चल रहा था, लेकिन अगेन मेरे बड़े हेडफोन्स में मुझे क्वालिटी साउंड नहीं सुनने को मिली और एक काफ़ी लो वॉल्यूम का मुझे साउंड सुनने को मिला, वो बेस वगैरह मुझे एक्सपीरियंस करने को बिल्कुल नहीं मिल रहा था। इसके बाद मुझे पता चला कि अगर मुझे अपने हेडफोन्स यूज़ करने हैं अपने फ़ोन के साथ तो मुझे एक ऐसा अडाप्टर चाहिए जिसमें हाई रेस DAC चिप लगा हो। तो यहाँ अगर आप ऑनलाइन देखोगे DAC चिप वाले अडाप्टर्स को तो बहुत ही महंगे महंगे ऑप्शंस हैं, जिसके बाद मैंने सोचा कि यार इससे अच्छा तो मैं यार 3-4 हज़ार रुपये के आपके वायरलेस ईयरफोन्स ही खरीद लूँ। लेकिन थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे एक सस्ता ऑल्टरनेटिव नज़र आता है जो कि 300 रुपए का है और इसमें आपको DAC चिप भी देखने को मिलती है, और ये आपको क्रोमा की वेबसाइट पर ही मिलेगा। अभी आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से बाय नहीं कर सकते हैं, या तो आप क्रोमा के स्टोर से जाकर बाय कर लें अगर ये वहां पर स्टॉक में अवेलेबल है, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन क्रोमा के स्टोर से बाय कर सकते हैं। अब यहां अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो यार सच में जो मैंने 250-300 वाले मैंने यूज किए थे जेनरिक वाले, उनसे कहीं बेहतर क्वालिटी है। तो यहां पर आपको ब्रेडेड केबल देखने को मिलता है और इसके दोनों एंड्स मेटल के हैं, क्वालिटी वाइज काफी अच्छा है ये, लेकिन बिल्ड क्वालिटी तो आपको वैसे भी दूसरे ब्रांड से मिल जा रही है, साउंड क्वालिटी का क्या सीन है। तो यहाँ पर मैं अपने गूगल पिक्सल 6 में इसको यूज़ करता हूँ और मैं अपने बड़े हेडफोन्स इसमें इस्तेमाल कर पाता हूँ और फुल वॉल्यूम में यार बहुत ही कमाल का साउंड करता है, और जैसे मेरे PC में साउंड आता है उसी तरह अब मैं अपने फ़ोन में साउंड एक्सपीरियंस कर पाता हूँ। अब इस पर्टिकुलर अडाप्टर को बाय करने के बाद मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोई भी जेनरिक कोई भी ब्रांड का आप 300-400 रुपये वाला अडाप्टर बाय करें, आप आंख बंद करके क्रोमा का अडाप्टर बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप OnePlus, Oppo, Vivo या इन सभी ब्रांड्स के यूज़र हो जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आप OnePlus का अडाप्टर भी बाय कर सकते हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि इसमें DAC चिप मिलता है या नहीं, अगर इसमें DAC चिप है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा क्रोमा से भी एक बेटर ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, वो है एप्पल का अडाप्टर, क्योंकि क्रोमा में एक थोड़ा सा एक इशू है, उसमें आपको एक बहुत ही हल्की सी हिस नॉइज देखने को मिलेगी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हेडफोन्स का यूज़ करने वाले हो और बहुत सीरियस यूज़ करने वाले हो तो आपको क्वालिटी अडाप्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उसमें आपको अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाना होगा। वैसे तो ये अभी यहाँ पर 900 रुपये का मिल रहा है, लेकिन सेल के दौरान जब ये सस्ता होता है तो ये आपको 400 रुपये तक आपको देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर करीब 518 रुपये का था और अभी कुछ दिन पहले ये करीब 394 का आपको देखने को मिला था, लेकिन अभी ये महंगा है।
अगर जल्दी है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप वेट करें। तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, चेक कर लो इसका प्राइस क्या है। इसके अलावा अगर मुझे कोई और बेहतर ऑप्शन भी मिलता है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे कमाल के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।